यूपी के कौशाम्बी जिले में मामूली विवाद में दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ है। विवाद के बाद घरों पर जमकर ईंट पत्थर चली और मारपीट हुई है। मारपीट और पत्थरबाजी में एक पक्ष के आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। बवाल की आशंका है और मामले की गंभीरता को लेकर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। गाँव में एडीएम एएसपी सीओ सहित भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मौजूद है। घटना कोखराज थाना क्षेत्र के कोखराज गांव की है, जहां भूला के सरवानी मकान का निर्माण करा रहे थे, जिसका मलबा उन्होंने अपने घर के बाहर रखा हुआ था, जिसको लेकर पड़ोस के एक पक्ष के मुस्लिम वर्ग के कुछ लोगों ने विवाद किया। विवाद के दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और ईंट पत्थर चले। मारपीट और पत्थरबाजी में एक पक्ष के मासूम बच्ची सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना के बाद गांव में बवाल की आशंका को लेकर एडीएम जयचंद्र पांडे, एएसपी समर बहादुर सिंह, सीओ सिराथू अवधेश विश्वकर्मा, कोखराज थाना सहित भारी मात्रा में पुलिस फोर्स गांव पहुंची और कॉम्बिंग की। एएसपी समर बहादुर सिंह ने बताया कि कोखराज गांव में दो पक्षों में बकरी जाने और मकान का मलबा रखने को लेकर विवाद हुआ है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं, लेकिन किसी को भी गंभीर चोट नहीं है। दोनों पक्षों को थाने पर लाया गया है। तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कौशाम्बी से नवीक शक्ति न्यूज की रिपोर्ट। कोखराज में आज दो पड़ोसियों में बकरी जाने को लेकर और कुछ मलबा रखने को लेकर विवाद हुआ है, जिसमें आपस में मारपीट हुई है। इसमें दोनों पक्षों को थाने पर लाया गया है, उनका मेडिकल कराया जा रहा है, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इस पर हम विधिक कड़ी विधिक कार्रवाई कर रहे हैं और जो सत्यता होगी जितने लोग इसमें आए जाएंगे सामने उसके खिलाफ। इसमें कई लोग घायल हुए हैं सर? हाँ, कई लोग इसमें घायल हैं, कोई गंभीर रूप से घायल नहीं है, छोटी मोटी चोटें हैं लोगों को, उनका मेडिकल कराया जा रहा है। सच्चाई है।